तो देखिए, आज नवरात्र का छठवां दिन है और भक्तगण माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। तो क्या है माँ की महिमा और क्यों खास माना जाता है माँ का कात्यायनी वाला ये वाला स्वरूप, चलिए आपको दिखा देते हैं। नवरात्र के अवसर पर पूरा देश आस्था और भक्ति से सराबोर है। भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन माना जाता है। आदिशक्ति अपने इस स्वरूप में भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। माता कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिसने माँ कात्यायनी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसमें असंभव को भी संभव करने की शक्ति आ जाती है। माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसलिए उनको कात्यायनी कहा जाता है। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। बाकी दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में सुशोभित होते हैं। देवी का वाहन सिंह है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से भी रहा है, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। वरदायिनी है माँ कात्यायनी। कहते हैं कि इनके उपासना से हर मनोकामना आसानी से पूरी हो जाती है। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए इनकी पूजा को अमोघ माना जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने का तरीका भी बेहद आसान है। पीले या लाल वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करना उत्तम होता है। माँ कात्यायनी को पीले सुगंधित फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। माँ को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। जानकारों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा से विशेष मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और विवाह संबंधी मामलों में तो देवी की पूजा अचूक मानी जाती है। व्यक्ति के मन को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं और व्यसनों से मुक्त हो सकता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए देवी की पूजा उत्तम मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा फलदायी मानी जाती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह है, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माँ कात्यायनी को देवी का सबसे फलदायिनी स्वरूप माना जाता है। इनके मंत्रों का जाप और उत्तम विधि से पूजन करके आप जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। देवी की महिमा का कोई पैमाना नहीं है। माता तो इतनी दयालु हैं कि वो जरा सी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ को बुलाता है, माँ के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जो शीश झुकाता है, उसकी बिगड़ी बना देती है माँ कात्यायनी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।